औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देती आँखों सुनते कानों, आपको हबीबुर रहमान वीर का सलाम पहुँचे। आज हम मौजूद हैं जी पुर्तगाल में, और आज आपको हम मिलवाएंगे पुर्तगाल के एक बाइक राइडर से, डिलीवरी बॉय से, और उनसे जानेंगे आज की इस वीडियो में कि यूट्यूब ऊबर के ऊपर रहते हुए वो जो काम कर रहे हैं, वो रोज़ाना कितने घंटे काम करते हैं, और इससे महीने का कितना कमा रहे हैं। और इसके ऊपर अगर कोई बंदा यहाँ पे आना चाहता है, ऊबर के ऊपर काम करना चाहता है, तो उसको किस तरीके से अप्लाई करना होगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, तो ये तमाम तफसीलात आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो मिलते हैं एक पाकिस्तानी से जिनका नाम है जी फरहान अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो फरहान अली भाई, आप ऊबर के ऊपर कितने अर्से से काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 2 साल से काम कर रहा हूँ। तो 2 साल से आप काम कर रहे हैं, तो डेली आप कितने घंटे आप ऊबर के ऊपर काम करते हैं? 4 घंटे। 4 घंटे। 4 घंटे आप कौन से टाइम, दिन के टाइम करते हैं या शाम के? शाम के टाइम। फुल टाइम नहीं करते आप? फुल टाइम नहीं। वजह? फुल टाइम की वजह ये है, दिन में काम नहीं होता। दिन में काम नहीं होता। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम हुआ तो 15 यूरो 17 यूरो। तो दिन में जॉब करनी चाहिए, मेरी जो ओपिनियन है, दिन में जॉब करे बंदा, और रात के अंदर पार्ट टाइम ये करे अगर फैमिली नहीं है तो। क्योंकि अगर फैमिली नहीं है तो किसी को टाइम, बंदा घर पे अकेला बोर होता है, तो उससे अच्छा है बंदा ये काम कर ले। 4 घंटे काम करता हूँ मैं इसी वजह से कि घर में अकेला होता हूँ, कोई होता नहीं है, तो बोर हो रहा होता हूँ, तो इस वजह से मैं 4 घंटे ये काम कर ले। तो इससे आप महीने का जो है ना डिलीवरी का काम ऊबर के ऊपर आप कितना कमा रहे हैं? मैं एक एवरेज 900 यूरो एवरेज है। 900 और या पर मंथ की पार्ट टाइम करके आप इसे अर्न कर रहे हैं। तो उसके अलावा आप जो जॉब करते हैं उससे आपको कितनी अर्निंग होती है पर मंथ की? जॉब तो मेरी शॉप अपनी है। जॉब तो शॉप तो आपने अभी बनाई है ना, उससे पहले? उससे पहले जो मैं करता था वहाँ से, मुझे जब मैं शुरू में लगा था तो मुझे वहाँ पे मिलते थे 750 यूरो, फिर काम अच्छा करते करते 1000 यूरो तक में गया उस। तो इसका मतलब आप टोटल मिलाकर आप तकरीबन पाकिस्तानी कितने लाख रुपए पर मंथ के कमा लेते हैं? पाकिस्तानी अगर यहाँ के सारे खर्चे निकाल के मैं बताऊँ, जिसमें रिहाइश है, खाना पीना है, अपना टैक्सेस है, फ्यूल है, ये सब निकाल के बताऊँ तो 1500 यूरो बच जाती है। 1500 यूरो जो कि पाकिस्तानी तकरीबन लगभग 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख रुपये आप पुर्तगाल में रहते हुए बासानी कमा रहे हैं। तो आप क्या हमारे देखने वालों को कहना चाहेंगे, अगर कोई बंदा न्यू है जो अभी पुर्तगाल में आया है और अगर वो ऊबर के ऊपर काम करना चाहता है, तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे? देखिए, न्यू बंदा जो आता है वो ऊबर पे तो काम कर नहीं सकता जब तक रेजिडेंस कार्ड नहीं आएगा। ठीक हो गया। ग्लोवो पे काम कर सकता है वो। ठीक है। और ग्लोवो का काम और मिलते हैं ग्लोवो के अंदर शुरू में 2 घंटे किसी टाइमिंग में, यानी टोटल दिन के अंदर 4 घंटे मिल जाते हैं। उसके अलावा आप ये बता दें कि अगर क्या इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है या नहीं? बाईसाइकिल पे आप करें, बाईसाइकिल पे, ऊबर पे करें, चार्जेबल बाइक आती है उस पर करें, चार्जेबल स्कूटर आती है उस पर करें, उसके ऊपर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं? ऊबर के लिए मस्ट रेजिडेंसी कार्ड रिक्वायर्ड है, जो नेसेसरी है। उसके अलावा? उसके अलावा क्रिमिनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसपे उबर ईट्स लिखा हो। ठीक हो गया। एक्टिविदाद चाहिए होगी 53200 वाली। ठीक हो गया। वो एक्टिविदाद चाहिए होगी, वो एक्टिविदाद करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। उसके बाद आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने पेपर सारे जो जो वो रिक्वायर्ड मांगे, फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप रिक्वायर करके पेपर अपलोड करें आपको जिस सिटी में। अच्छा, लोग ये गलती बड़ी करते हैं कि ये मैं आप जैसे मैं विलादेकुंद में रहता हूँ, लोग अब इधर विलादेकुंद में होते हैं ना, तो इधर का जो विलादेकुंद का जो लगता है वो लगता है बरागा। सही। लोग पोर्टो डाल देते हैं तो वो विलादेकुंद में आईडी ओपन नहीं होती, तो ये ज़रूर चेक करें। फिर बाद में मसला होता है, फिर आप ईमेल करते हो उनको, फिर टाइम ज़ाया होता है, उसमें ज़ाया होता है। ठीक हो गया। तो इसके लिए जो ऊबर के जो कोई वेबसाइट है, जो एप्लीकेशन जो डाउनलोड करने के बाद, उसके बाद कोई लिंक देना पड़ता है? ऊबर ड्राइव है। ठीक है। और लिंक भी देना पड़ता है, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, लिंक की भी ठीक होगा। जो लिंक होगा वो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो कि उसके ऊपर जो क्लिक करके वो जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप
इसके बारे में और क्या आप कहना चाहेंगे? तो ऊबर वाले जो काम कर रहे हैं, तो ऊबर के ऊपर आप काम करते हो, इसमें आपको कुछ आपको बोनस भी देते हैं? वो कभी कभी प्रमोशन आती है कि 11 डिलीवरी करने पे 20 रुपये, कभी 15 रुपये, कभी 25, वो डिफरेंट है, वो आपका अलग से है। उसके अलावा कोई मतलब है कि आप जो ऊबर के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप क्या कहना चाहती हैं कि ऊबर वालों को, कि इसमें कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो पेस कुछ और नहीं प्रॉब्लम आएगी? नहीं, पैसों में कभी प्रॉब्लम नहीं है। मंडे 4 PM पे आपके अकाउंट में पैसे होते हैं? ये डेली आते हैं? वीकली आते हैं। आज सैटरडे, संडे नाइट को क्लोज हो जाता है, मंडे को 4 PM पे आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे बुरहान अली भाई, जो कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान कराची से है, और ये उबर के ऊपर तकरीबन 2 साल से ये काम कर रहे हैं, और इस काम से इन्होंने इतनी सक्सेस हासिल की है कि इन्होंने अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पुर्तगाल में अपना कार भी ले लिया है, और अब ये अपना जो जॉब करते थे, जॉब छोड़कर अब इन्होंने अपनी शॉप भी बना ली है। ये सारी मेहनत करके, एक मेहनत से इन्होंने जो काम किया उसका रिवार्ड इनको मिला है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी हम एक मोटिवेशनल आप स्टोरी के ऊपर हम व्लॉग बनाएंगे, और वो व्लॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से मेहनत करके और वो घर खरीदा, और किस तरीके से आपने शॉप बनाई, और वो शॉप का भी विजिट करेंगे और आपके साथ वो शेयर करेंगे। अब दीजिएगा मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह मिल गए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।